वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी बतौर श्री हरिमंदर साहब जी के ग्रंथी सिंह साहिबान है और उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के बतौर जथेदार दियां अज सेवावां समुचे खालसा पंथ द्वारा सौंपिया गई। असी आस करते हाँ कि सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी इन्हां पावन पवित्र तख्त साहिबाना की सर्ब उच्चता बरकरार रखदियां कौम दियां भावनावां नूं मुख रखदियां कौम की चढ़दी कला लिए सारे सिंह साहिबान निगर और चढ़दी कला वाले फैसले लैणगे, जिस नाल कौम दे अंदर जो बड़ा भारी खिलाफ बनिया होया वह सारा दूर हो सके, दुविधा दूर हो सके। बाबा जी बड़ियां चुनौतियां ने कुछ करते सी, परंतु जिस तरीके दे नाल पिछले दिनों विधानसभा दे विच तरमीम करन दी कोशिश की गई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के विच, उस बारे की कहना चाहोगे? मैं यही गल कहनी चाहुंदा जी, ये पंजाब सरकार का मसला नहीं है, सिख पंथ का अंदरूनी मसला। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आजाद संस्था जिहड़ी समुचे गुरधामां की सेवा संभाल कर रही है, साढ़े को एको एक पुख्ता जथेबंदी है जिहड़े सारे इतिहासक गुरु घरां की सेवा कर रही है, जिहदे प्रबंध विच बहुत सुंदर प्रबंध चल रहे हैं। जे साडी इह संस्था अज बिखर जाती है तो गुरु घरां का सारा प्रबंध डामाडोल हो जाएगा। सानू बड़े संघर्ष करके सिंघां नूं कुरबानियां दे के शहीदियां दे के जेलां विच जा के एक सानू ये श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था मिली है जिसने 100 साल तो उत्ते इन्हां गुरधामां का प्रबंध हर खेत्र दे विच धार्मिक खेत्र विच भी कौम दे हर पक्ष दे विच भी बहुत वड्डी अगवाई कौम दी कीती है। इस संस्था नूं बखेरन लई जां इस संस्था नूं तोड़न लई जो साजिशां रचियां जा रही पंथ लई बड़ियां घातक है। और मैं पंजाब सरकार नूं भी गल कहनी चाहुंदा कि तुहाडा जिहड़ा खेत्र है तुसीं पंजाब दा जो अमन कानून है जां पंजाब नूं चलाउणा उह तुहाडा अपना खेत्र है, वह तुसी बाखूबी पंजाब नूं सही लीहां ते लैके जाओ, पंजाब नूं सही ढंग दे नाल चलाओ, पंजाब विच्चों बेरोजगारी खत्म करो, कर्जा दूर करो, पंजाब दियां जिन्नियां भी समस्यावां हन उहनां नूं दूर करन दे विच अपनी भूमिका निभाओ, ना कि तुसी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी च बिना कारण तो दखल अंदाजी दे के बिना किसी कारण तो इस संस्था दे विच इस संस्था प्रति कोई बयानबाजी करो, इहदा सिख संगतां दे विच बहुत भारी रोस है। दाड़े दे उपर कटाक्ष कीता गया, उस बारे की कहना चाहुंगे? मैं यही बेनती करनी चाहुंदा, सिख जिहड़े केस है इह सिक्खी दी मोहर है, इन्हां दा जिन्ना भी सन्मान सत्कार करना हर सिख दा फर्ज है और दूसरे धर्मां दा भी फर्ज है। जे सिख मुख्यमंत्री दाड़े केसां प्रति कोई गलत बयानबाजी करदे आ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? मैं एको गल कहनी चाहुंदा भी ये सारा अधिकार खेत्र श्रोमणी कमेटी का, इस बारे निर्णय श्रोमणी कमेटी ने लेना भी किस चैनल नूं असी लाइव करने का अधिकार देना किस नूं नहीं देना, ये श्रोमणी कमेटी का अधिकार खेत्र है, सानू उहदे विच दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है।